नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी जैम बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी जैम के लिए यहाँ पे मैंने 400 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले लिया है, और स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। स्ट्रॉबेरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर के पत्ते को हटाएंगे, और जितने छोटे स्लाइस आप कर सकते हो उतने छोटे आपको टुकड़े कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं पहले स्ट्रॉबेरी को काट लूँगी। देखिए, बस ऊपर के पार्ट को हमें अलग करना है। स्ट्रॉबेरी को मैंने काट लिया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम ट्रांसफर कर देंगे स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी डालने के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 300 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। स्ट्रॉबेरी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको यहाँ पे चीनी कितना डालना है। थोड़ा सा कम ज़्यादा चीनी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीठा है स्ट्रॉबेरी तो कम लगेगा, और थोड़ा खट्टा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो चीनी के मेल्ट हो जाने तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब पूरी तरीके से चीनी हमारा मेल्ट हो जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे, और लो मीडियम में हमें इसे पकाना है। आप इस तरीके से स्ट्रॉबेरी जैम बना सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में, बिना केमिकल के। मार्केट से भी अच्छा आपका स्ट्रॉबेरी जैम घर में ही बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, चीनी मेल्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे, और लो मीडियम फ्लेम में हम 5-6 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में हम एक एक बार स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे, जिससे नीचे ना चिपके। तो स्ट्रॉबेरी को हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है, तो हाई फ्लेम में नहीं, हम लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो गया है, तो बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है, जिससे नीचे ना चिपके। चार पाँच मिनट बाद स्ट्रॉबेरी हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, और स्ट्रॉबेरी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब हम स्पैचुला से हल्का इस तरीके से मैश करते रहेंगे। पूरी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को मैश नहीं करेंगे। जब स्ट्रॉबेरी के चंक्स आते हैं जैम में, खाने में बहुत ही अच्छा लगते हैं, तो मैं स्पैचुला से इसी तरीके से हल्का प्रेस भी करती रहूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर मैशर का भी यूज़ कर सकते हो। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे, और लो फ्लेम में हम इसे अच्छे गाढ़ा हो जाने तक पकाएंगे। ये जो साइड में थोड़ा झाग बन रहा है, इसे हम इस तरीके से स्पैचुला से निकाल लेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे एक नींबू का रस, और मिलाएंगे अच्छे से। छः से सात मिनट हो गए हमें स्ट्रॉबेरी को पकाते हुए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जेली परफेक्ट बने हैं कि नहीं। तो एक प्लेट में हम थोड़ा सा इस तरीके से जैम को उठाएंगे और डालेंगे, और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत जल्दी नीचे की ओर गिर रहे हैं।
तो इसका मतलब अभी हमारा परफेक्ट जैम बनके तैयार नहीं हुआ है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके 1-1.5 मिनट और पकाएंगे। जैम अब गाढ़ा होने लग गया है, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। सात से आठ मिनट के अंदर आपका ये जैम बनके तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट बाद हम फिर से थोड़ा सा जैम को उठाएंगे और प्लेट में डालेंगे। हल्का हम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तब तक हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और लो फ्लेम में हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। और स्ट्रॉबेरी देख सकते हो आप, अच्छे से मैश हो गया है और थोड़ा बहुत जो इसमें चंक्स दिख रहे हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने पूरी तरीके से इसे मैश नहीं किया है। कुछ देर बाद हम चेक करेंगे। देखिए ये जैम बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा हम इसे और गाढ़ा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा जैम को और नहीं पकाएंगे हम, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद जैम हमारा अच्छे से और जम जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारा होममेड स्ट्रॉबेरी जैम बनके तैयार है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हो कैसा है इसका थिकनेस, और मैं आपको ब्रेड में लगा के भी दिखाती हूँ। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो जैम हमारा अभी भी गर्म है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको जैम को और नहीं पकाना है, नहीं तो ये पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जो ब्रेड में आप लगा नहीं सकते। तो अब हम ब्रेड में लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस को सेक लिया है। आप इस तरीके से ब्रेड सेक के भी लगा सकते हो, या कच्चे ब्रेड में भी आप इसे लगा के खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये स्ट्रॉबेरी जैम बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जैम जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, तब आप किसी भी साफ कंटेनर में भर के इसे स्टोर कर सकते हो महीनों तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जैम बनाने का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।